हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाले एकांश मिश्रा। तो आज हम पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, तो देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या हैं। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर होती है वह नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होती है। मतलब कि वह जो पावर्स होती हैं वेरिएबल्स की वह नेचुरल नंबर होती हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। हम पॉलिनोमियल को पी एक्स से डिनोट करते हैं, इसको हम पी एक्स से डिनोट करते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स टू प्लस डॉट 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 ए एन एक्स एन, जहाँ पर यहाँ पर जो होगा ए वन ए टू ए थ्री ए एन, ये सब रियल नंबर मतलब कि कांस्टेंट होंगे, और यहाँ पर जो वेरिएबल है वो एक्स होगा। यहाँ पर एक्स की जो पावर होगी वह जो होगी नेचुरल नंबर होगी। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है या कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का, जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल जो होते हैं वह कनेक्टेड होते हैं कुछ ऑपरेशन से, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इन सब से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड होते हैं। इनमें जो कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं सब कनेक्टेड होते हैं, यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल जैसे हो गया, हम पॉलिनोमियल हो गया 2x + 3, ये सब पॉलिनोमियल है। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एक्स वेरिएबल है, 2 जो है वह कांस्टेंट है, 3 यहाँ पर कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पर देखो ए कांस्टेंट था, यहाँ पर एक्स नहीं था, तो वैसे ही मतलब कि यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है। एक जैसे हो गया 3x³ + 7, ये पॉलिनोमियल है। अब जैसे क्या ये पॉलिनोमियल है? 1/2x + 3, नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे हो गया 4x² + 2√x + 3 = 0, क्या पॉलिनोमियल है? नहीं पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर x की पावर जो है नेचुरल नंबर है, चलो यहाँ तो सही है, पर यहाँ पर 2√x के मतलब कि पॉलिनोमियल की जो पावर है वह हाफ है, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऐसे हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के बाद हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो होती है गाइस, जो पॉलिनोमियल जो होता है, जैसे 2x + 3, 3x³ + 7, इन पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है। जैसे यहाँ पर 2x + 3, यहाँ पर डिग्री क्या होगी? यहाँ पर वेरिएबल क्या है? यहाँ पर वेरिएबल x है, तो x की मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पर? और कहीं तो x है नहीं, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 1। जैसे हो गया, मैंने लिया 2x² + 7x + 13 = 0, मैंने इसको लिया, तो इसमें जो डिग्री होगी वह क्या होगी? मैंने कहा डिग्री जो होती है वह हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो यहाँ पर डिग्री जो होगी वह 2 होगी। तो मतलब कि हाईएस्ट पावर होती है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आया 7x³ + 3x². अब इसमें हमें पूछ रहा है कि डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी? जो मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम पावर होगी, मतलब कि डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 3। तो ये डिग्री हो गया। अब हम पॉलिनोमियल में कई प्रकार के होते हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो अब इन सबको हम समझते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल गाइस ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें वेरिएबल की जो हाई पावर डिग्री हो वह 1 हो, मतलब कि हाईएस्ट पावर जो होगी डिग्री की 1 होगी। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो गया? 2x + 3 हो गया, जैसे हो गया 7x + 7 हो गया, या हो गया x -5/8,
इन सब में क्या है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो गया, यहाँ ये सब लीनियर पॉलिनोमियल हो गए, क्योंकि इनमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, पॉलिनोमियल। गाइस, ये ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिन 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 ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें जो डिग्री हो वह 2 हो, मतलब कि जो हाई वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वह 2 हो। जैसे हो गया 2x² + 5x - 8, या हो गया 3x² + 2√2x, हो गया +6। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी जो डिग्री हो जिनमें जो डिग्री हो वह 2 हो। लीनियर में क्या था कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब कि डिग्री जो थी 1 थी, और यहाँ पर जो डिग्री होगी वह 2 होगी पॉलिनोमियल की। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसे होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिनमें जो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री जो हो वह 3 हो। जैसे हो गया 3x³ - 7x² + 5x + 1, ऐसे हो गया। जैसे हो गया 3x 4x³ + 1, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? एक क्योंकि इनकी जो इनमें जो वेरिएबल हैं उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। अब इसमें ये नहीं मैटर करता कि x² कहाँ गया, x कहाँ गया, इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। ऐसे बाई क्वाड्रेटिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गाइज ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री जो हो 4 हो। जैसे हो गया 2x³ + 3x³ - 5x² + 9x + 1, मतलब कि जिनकी हाईएस्ट पावर 4 हो। वैसे तो गाइज बेसिकली हमें ये दोनों अभी नहीं पढ़ना है, वैसे तो हमें यही दोनों पढ़ना है, ये कहीं कहीं इसका यूज आएगा, बाकी वैसे इसका यूज अभी नहीं है। आप गाइज कॉफिशियंट देख लेते हैं कि कॉफिशियंट होते क्या हैं। कॉफिशियंट गाइज ऐसे वो होते हैं जैसे जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट नंबर जुड़ा होता है वो कॉफिशियंट होता है। जैसे हम 4x³ + 1 का एग्जांपल लेते हैं, इसमें जो एक्स क्यूब का जो कॉफिशियंट है क्या होगा, कॉफिशियंट वो होता है जो वेरिएबल जिस वेरी वो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट जुड़ा होता है वही कॉफिशियंट होता है। जैसे यहाँ पर एक्स क्यूब का कॉफिशियंट क्या आएगा, 4। जैसे हो गया 7x² + 5x + 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट जो है वह 7 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर जो भी कांस्टेंट नंबर जुड़े होंगे वो कॉफिशियंट होगा। यहाँ पर एक्स एक्स का कॉफिशियंट जो है वह 5 है, मतलब कि कॉफिशियंट वो होते हैं जो कांस्टेंट नंबर होते हैं जो वेरिएबल के साथ जुड़े होते हैं वही कॉफिशियंट होते हैं गाइस। अब गाइस हम देखते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आया कि x² - 2x - 3x, इसका जीरोज क्या होगा, जीरोज वो होते हैं गाइस, जैसे यहाँ पर जीरोज क्या होंगे, यहाँ पर वेरिएबल की जिस भी वैल्यू पे एक पूरे टर्म जो हो, इस पी एक्स जो हो इसकी वैल्यू 0 हो जाए, जिस भी वैल्यू पे पी एक्स की वैल्यू 0 हो जाए वो जीरोज होते हैं, उस ओन वैल्यू जीरोज होते हैं। जैसे कि इसका जीरोज क्या होगा, जैसे निकालते हैं x² - 3x + 1x - 3,
इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, 2x को हमने स्प्लिट किया, -3x प्लस 1x -3 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर तो आएगा x कॉमन आएगा x -3, और यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो 1x -3। तो यहाँ पर x -3 जो है कॉमन आ गया, तो x -3 कॉमन हो गया और x प्लस 1 कॉमन हो गया इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मतलब कि अब x -3 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें से ज़ीरो कब होगा, यदि इफ़ x -3 इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, यदि x -3 ज़ीरो होगा तब तब ये पूरी टर्म ज़ीरो होगी, या तो x प्लस 1 ज़ीरो होंगे या x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या है, x इज इक्वल टू -3 उधर जाएगा प्लस 3 आ जाएगा, 1 जाएगा उधर तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर x की 3 और -1 मतलब कि इन दोनों वैल्यूज़ पे इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आ रही है वो ज़ीरो आ रही है। मतलब कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की उस वैल्यू जिस वैल्यू पे ज़ीरो आए, जिस वैल्यू को पुट करने पे पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आए, वही ज़ीरो ज़ीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होती हैं। तो बस तो गाइस बस आज के वीडियो में बस इतना ही, ये आज का इंट्रोडक्शन वीडियो था। आगे की वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। सो गाइस थैंक यू।